ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स, आई एम श्योर आप सब ठीक हैं और आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। क्या मेरी आवाज़ अब सबको आ रही है? आमिरा, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, खैरियत से हैं। आई एम फाइन, आई एम डूइंग गुड। हमारे पास ये लास्ट चैप्टर है और हमने जनरल साइंस एंड एबिलिटी का लास्ट चैप्टर हमारा है, इसको हम आज देखने की कोशिश करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे और फिर यहीं से हम जो है वो आगे हमारी कहानी जो है वो चलेगी इंशाल्लाह। सिरामिक्स जो है वो मॉडर्न मटेरियल और सिरामिक्स है, लेकिन इससे पहले कि मैं ये टॉपिक पढ़ाना शुरू करूँ, मैं बता दूँ कि सिरामिक्स के ऊपर तो अभी तक उसने क्वेश्चन अलबत्ता नहीं पूछा, लेकिन इससे जो अगला चैप्टर है, टॉपिक है प्लास्टिक्स, उस पर 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। उससे अगला जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसके ऊपर 2012 में भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है, और इस चैप्टर में से शॉर्ट नोट्स जो है वो दे देता होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह की चीजें हैं वो देता रहता है, जो कि आप सबको जो है वो पता होना चाहिए कि ये चैप्टर जो है वो हमारे पास इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक हो गया जी, तो ये हमारे पास जो है वो डिटेल्स रहेंगी, इसको फिर आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं बस ये चीजें जो है। अच्छा जी सिरामिक्स जो है वो हमारे पास क्या होता है जी? सिरामिक्स क्या होता है? आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि सुराही बना देते हैं, कुछ बर्तन बना रहे होते हैं, कुछ घड़े बना रहे होते हैं, वो बेसिकली सिरामिक्स होते हैं। सिरामिक्स क्या है? एक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वो होता है जो जिंदा चीजें होती हैं। सिरामिक्स इनऑर्गेनिक है, नॉन मेटेलिक है, यानी कि मेटल नहीं होता है, लेकिन क्या है, नॉन मेटेलिक सॉलिड है, माया नहीं है, सॉलिड है, जो कि मिट्टी से बना हुआ होता है और जिसको जो है शेप दी जाती है। कुम्हार, आपने बचपन में देखा होगा कि मुख्तलिफ किस्म के घड़े बनाया करते थे, ठीक है, मिट्टी से बनाया करते थे, फिर उनको जो है वो गर्म किया करते थे, हार्ड किया करते थे। हीर रांझे की दास्ताना में आपने पंजाबी रखी हुई है, आपको पता होगा, आपने देखा होगा कच्चे घड़े, बाकी सदीकी का भी कच्चे घड़े जो है वो शामिल है। तो ये हमारे पास ऐसा मटेरियल है जो कि इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक से मुराद ये है कि इसमें कोई कार्बन के एटम शामिल नहीं होते, कार्बन के मॉलिक्यूल शामिल नहीं होते, ये इनऑर्गेनिक होता है और नॉन मेटेलिक होता है, लेकिन सॉलिड होता है। सो सिरामिक्स इज एन इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक सॉलिड मेड अप ऑफ क्ले, और ये जो है वो क्या होता है, इसे शेप दी जाती है, हार्डन किया जाता है हाई टेम्परेचर के साथ। डेफिनेशन याद हो गई है जी? डन हो गया, याद हो गया। इनऑर्गेनिक है यानी कि जिंदा नहीं है, नॉन मेटेलिक सॉलिड है, क्ले से बना हुआ होता है, इसको क्या किया जाता है, इसको शेप दी जाती है, बाद में इसे हार्डन कर दिया जाता है हाई टेम्परेचर पर। अभी याद हो गई है? तो ये हमारे पास जो है वो सिरामिक्स रहते हैं। अब जब हम सिरामिक्स की बात करते हैं तो सिरामिक्स में हमारे पास जो है ये हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। अगर आप जो है वो टाइलैंड देख रहे हैं, सिरामिक्स की बनी हुई है, आप जो है वो ब्रिक्स देख रहे हैं, सिरामिक्स की बनी हुई है, आप प्लेट्स देख रहे हैं, सिरामिक्स की बनी हुई है, तमाम की तमाम चीजें, ग्लासेस, सब के सब टॉयलेट्स वगैरह वगैरह सिरामिक्स से बने हुए हैं। हम अपनी जिंदगी के अंदर जो भी प्रोडक्ट देख रहे हैं, भले वो कोई ऑटोमोबाइल है, कोई स्पार्क प्लग है, कोई इंजन है, कोई रेस कार का इंजन है, हर जगह पे इस्तेमाल होती है सिरामिक्स। क्यों जी मैडम मिंशा साहिबा? ऑटोमोबाइल के अंदर कहाँ पे इस्तेमाल होता है? उनके टायरों के अंदर, वो जो गोलियां इस्तेमाल करते हैं, गड़ोली इन्हें कहा जाता है, उनके अंदर जो इस्तेमाल होती है सिरामिक्स होता है। स्पेस शटल्स के अंदर जो है वो अप्लायंसेस, कहीं पे किसी चीज की कोटिंग करनी है, किसी दांत के अंदर जो कोटिंग कर रहे होते हैं, वहां पे सिरामिक्स इस्तेमाल होते हैं। एयरप्लेन्स के अंदर जो है नॉइज, जो नोज कोन्स है, वहां पे सिरामिक्स इस्तेमाल होते हैं। तो सिरामिक्स हमारे पास जो है इसकी एक ब्रॉड रेंज होती है, ये मटेरियल्स जिनमें ग्लास भी शामिल है,
और सब की सब चीजें जो हमारे इर्द गिर्द हैं, सीमेंट्स में शामिल है, ये सिरामिक्स के अंदर जो है वो फॉल करता है। क्या मैडम इंसरा आपको पता चल सका है कि सिरामिक्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक सॉलिड, जो कि लिक्विड जो है वो नहीं होता, सॉलिड होता है, हमारे इर्द गिर्द पाया जाता है और हर जगह इसमें शामिल है। टाइलों में जो है वो, ग्लासेस में, और इंजन के स्पार्क्स, इंजन में ये जो गाड़ियों के अंदर जहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे इस्तेमाल होता है, ये हमारे पास सिरामिक्स कहलाता है। सिरामिक्स की जनरल प्रॉपर्टीज क्या है? सिरामिक्स जो है वो, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज ये हैं कि तमाम मटेरियल्स की तरह ये जो है वो रॉ मटेरियल जो हमारे पास मौजूद होता है, जो प्रेजेंट होता है, उससे बनता है। ठीक है, सिरामिक्स जो है वो, इनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं। आइए जरा वन बाय वन करके उनको जो है वो डिस्कस करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, सिरामिक्स आर हार्ड, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड शोइंग कंसिडरेबल स्टिफनेस अंडर कंप्रेशन एंड बेंडिंग। जो सिरामिक्स होते हैं ये हार्ड होते हैं, सख्त होता है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये जो है वो कंसिडरेबल स्टिफनेस दिखाते हैं कंप्रेशन के अंदर, ब्रेंडिंग के अंदर, बेंडिंग के अंदर। यानी कि आप जो है वो किसी गढ़े को उठाएं, किसी सुराही को देखें, सिरामिक्स की बनी हुई होती है, हार्ड होगी, एक्सट्रीमली स्ट्रांग होगी। अगर आप जो है वो नॉर्मली, ऐसा नहीं है कि उसको दो तीन दफा हल्का हल्का मारेंगे तो वो टूट जाएगा, सख्ती उसके अंदर मौजूद होती है। और वो क्या हो सकता है कि उस घड़े के ऊपर, आपने देखा है खवातीन जब पानी लेने जाती है, एक घड़े के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बहुत से घड़े रखे होते हैं। अक्सर पिक्चर्स में आपने कभी देखा होगा, कभी देखा है आपने कि वो घरों के ऊपर घड़े जो है वो रखे हुए होते हैं खवातीन ने, एक के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा पड़ा होता है। और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि नीचे वाला बेंड हो जाए या कंप्रेशन में चला जाए। ठीक है, ना तो नीचे वाला कभी कंप्रेस होगा और ना ही कभी जो है वो बेंड होगा। ये हमारे पास जो है वो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज है। अब दूसरे नंबर पे सिरामिक्स जो है वो वियर रेजिस्टेंट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। इसका क्या मतलब होता है? सिरामिक्स जो है वो तमाम चीजों को ड्यूरेबल है, बर्दाश्त करते हैं, वक्त के साथ साथ तबाह नहीं होता, इसी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो सकता है। सिरामिक्स जो है वो बड़ी काम की चीजें हैं, बड़ी जगह जगह पे ये इस्तेमाल होंगे। अब तीसरे नंबर पर अगर हम सिरामिक्स की बात कर ही रहे हैं, तो सिरामिक्स जो है वो हमारे पास जनाब यूजेस के अंदर जो है, इसके मजीद जो है वो यूजेस देखते चले जाइए, आर रिफ्रैक्टरी मटीरियल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो रिफ्रैक्टरी मटीरियल क्या होता है? रिफ्रैक्टरी से मतलब एक ऐसा मटेरियल है कि जिसे आप गर्म करेंगे तो वो जल्दी से पिघलेगा नहीं। तो मट्टी के घड़े को आप आग पे रखते चले जाएं, वो कभी भी नहीं पिघलेगा। ठीक है, वो कभी भी नहीं पिघलेगा। यही वजह है कि आपने देखा होगा जो भट्टी जहाँ पे तंदूर है, नान लगाए जाते हैं, अंदरूनी साइड वो भी जो है वो सिरामिक से मिलकर बनते हैं। ठीक है, सिरामिक्स जो है ये हमारे पास कोरिजन रेजिस्टेंट है। कोरिजन से क्या मतलब है? आपने देखा होगा कि वक्त के साथ साथ चीजों की सतह खराब हो जाती है, लेकिन सिरामिक्स से नहीं होती। सिरामिक्स आर इनर्ट टू केमिकल रिएक्शन है। जनरली डू नॉट रिएक्ट विद मोस्ट लिक्विड्स, नहीं करेगा, कोई भी गैस है, कोई भी अल्कली है, कोई भी एसिड है, उसके साथ है वो रिएक्शन थर्मल इंसुलेटर्स। इसका मतलब यह है कि ये बिजली को पास किसी सुराही पे लगा दें, बिजली दूसरी तरफ जाए, क्रोमियम डाइऑक्साइड पर। लेकिन क्रोमियम डाइऑक्साइड हमारे पास जो है वो एक ऐसा सिरामिक्स है, जैसे रस्ट लग जाता है किसी चीज को, जंग लग जाता है, तो जंग जो है वो जब लग जाता है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी बहुत देर तक, अरसे तक इसको जो है वो आप आयरन के साथ रखते हैं, तो आयरन का कोई ना कोई जंग इसके ऊपर आ गया, तो फिर ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को मूव ऑन कर सकता है, भेज सकता है, इसमें हमारे पास है क्रोमियम डाई ऑक्साइड। और इसी को जो है वो हम, यहाँ से हमारे पास जो सिरामिक्स है ये नॉन मैग्नेटिक है, इनके अंदर से इलेक्ट्रिक ऑक्साइड्स, कार्बन
ऑक्सीडाइज नाइट्राइड्स ब्रॉइड्स एंड सिलिकेट्स। बेसिकली दो तीन तरह से जो हम पाए जाते हैं, ये मैं पॉइंट आगे चल के डिस्कस करता हूँ। ऑक्सीडेंट रेजिस्टेंट, ऑक्सीजन रेजिस्टेंस से क्या मतलब है, वक्त गुजरने के साथ साथ ऑक्सीजन जो है वो चीजों के साथ मिलती है और उन चीजों को जंग लगा देती है, उन चीजों को जंग लगा देती है। लेकिन सिरामिक्स जो है ये ऑक्सीजन जो है वो रेजिस्टेंट है, कि इनको खुद से जंग नहीं लगेगा। सिरामिक्स आर ब्रिटल हैविंग लिटिल इलास्टिसिटी। अगर आप उससे ये समझेंगे कि शायद ये इलास्टिसिटी रखता है, इसको खींचा जा सकता है, तो वो सिरामिक्स को नहीं खींचा जा सकता, तो ये सिरामिक्स है। अब हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि सिरामिक्स को प्रोड्यूस कैसे, तो इसी से हमें पता चलता है कि बर्न करना, ये संस्कृत लगा देना, आग लगा देना, तो सेरामिक्स का मतलब ये है। हाँ आपने चीजों डिटेल में, अगर मैं है जिसमें फायर यानी आग, फायर जो है एक ऐसी हमारे पास सोची कि वाहन से निकला हुआ है, और ये हमारे पास रहता है बीन मेड। ओके जरा आप कंफर्म कीजिएगा कि आवाज अब आ रही है। हाँ नहीं सर, और मैडम मैडम आ रही है या नहीं आ रही है? तो क्या फिर हम आगे बढ़े, क्या आप क्लियर है? नहीं साहब, आपका तो शायद अपना भी इंटरनेट का मसला है। ओके तो क्लियर नहीं है, डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्शन का मसला है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, आप लोगों की तरफ भी ऐसे ही हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आ रही है जा रही है, काफी डिस्टर्ब कर रही है ना? मेरा ख्याल है कि ये फिर हमारे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना, वहां पे मसला हो रहा है, क्योंकि हमारी तरफ से तो चीजें ठीक हैं, लेकिन जब भी इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है। नहीं सब अनम्यूट करें और जरा बताएं कि क्या हाल अहवाल चल रहे हैं। फिर मैडम इंस्टा से भी पूछते हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है आपके इलाके में, लाइट की और बाकी क्या कंडीशन है? अस्सलाम वालेकुम सर जी।
जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? लाइट बस आप अल्हम्दुलिल्लाह सर आपके दो जी सर लाइट आपने दुरुस्त तशखीस की है। इसी तरह ये बस आधा घंटा आती है 1.5 घंटा चली जाती है। ओह आई सी आई सी आई सी। तो बस आपका भी फोटो पास शिफ्ट गहरा। होंगे हाँ ना, आपका भी फोटो पास जी, शिफ्ट होंगे तो क्या आप भी इंजॉय करेंगे इसको। क्वार्टर बस में जो है वो लाइट को एंजॉय करने के लिए शिफ्ट होना पड़ेगा, ये कह रहे हैं? हाँ जी ओह अच्छा, चले अभी तो मेरा ख्याल ठीक है ना, अब जी तो सर बेहतर है। बिल्कुल क्लियर है, अब बिल्कुल क्लियर। अच्छा जी, मैं सिरामिक्स के बारे में दोबारा बता देता हूँ कि ये जो लफ्ज है सिरामिक्स हमारे पास आया है संस्कृत से, और संस्कृत में जो है वो जनाब लोग जो है वो पहले लोगों को सिरामेट कर रहे होते थे। आपको याद होगा, आपने एक वर्ड पढ़ा था हाल ही में जब मैं आपको एक्सपेक्टेड वोकैबुलरी बता रहा था, जो मैडम इंसा साहब आपको याद होगा, सिरामाटोरियम। ठीक है मैडम, याद है आपको? के डिक्री दिया कि जो सफर कर रहे हैं उन्हें सिरामाटोरियम का विजिट करवाया जाए, ताकि उन्हें हमारी डिस्पॉटिज्म का पता चले और उन्हें पता चले कि कितना कैजम है, हम लोग कितने जो हैं डिस्पॉटिज्म हैं, और वो सारी वो कैटरी जब मैं याद करवा रहा था आपको। तो वहां से हमारे पास ये वर्ड आता है सिरामिक। वो सिरामिक का मतलब ये है कि भाई जब आपने किसी चीज को पकड़ा, मट्टी को निकाला, आग में रखा और जनाब उसको हार्ड कर लिया, तो जो लोग जो है वो थाउजेंड ऑफ इयर्स अगो से रहते आ रहे हैं, उन्होंने वो जो मट्टी बनाया करते थे डिगिंग से, मिक्स करते थे, पानी को मिलाया करते थे, और फिर उसे भट्टी के अंदर जो कुम्हार काम किया करते थे दांतों में, वो सिरामिक सारे के सारा जो। लेकिन अब कुम्हार जो है वो तो घड़ा बनाना छोड़ चुके हैं। अब की दफा कुम्हार क्या होते हैं, उनको मल्टीपल चीजें जो है वो देखनी पड़ती थी कि इंडस्ट्री में जो है वो तब्दीली आ गई। हमारे पास जो लेटेस्ट है इंडस्ट्रियल सिरामिक्स जो है वो अब एडवांस वाले हैं। इसका मतलब ये है कि अब की दफा हम इस्तेमाल करते हैं जो सिरामिक्स हैं उनको गाड़ियों के अंदर बहुत सी चीजें बनाने के लिए, कोई गाड़ी लग जाती है वहां पे कोटिंग के अंदर, इंसानों के आर्टिफिशियल दांत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिरामिक्स का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वो सिरामिक्स जो आप देख रहे होते हो वो वाली सिरामिक्स जो है वो आपने जो घरे जिससे बन गए हैं वही वाली सिरामिक्स हैं। मैं आपको जरा और भी सिरामिक्स दिखाता हूँ ताकि आपको जो है ना पता चल सके कि भाई सिरामिक्स के तो और भी बड़े से यूजेस हैं। मान लीजिए गूगल के पास जरा चलते हैं और एक सिरामिक्स जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास है जी। जो है वो देखना चाहते हैं सर, इसने जो है वो हमें नहीं दिखाई, मुझे इसे कुछ और दिखा रहा है। सिलिकॉन नाइलॉन जो हम चाह रहे हैं कि इमेजेस हमें दिखा दें ताकि हमें जो है वो पता चल जाए। अच्छा जी, ये जो आपके सामने अभी इमेजेस आए हैं सिलिकॉन नाइट्राइड के, ये भी हमारे पास जो है वो सिरामिक्स हैं। सिरामिक्स हैं, जरा इसको जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। आई थिंक कि आपके पास इसमें जो है वो, ये तो हमसे लॉग इन करने की डिटेल्स मांग रहा है। बैरी कैफ, हमें एक सिंपल से उसे इमेजेस देखने की रिक्वेस्ट की है और वो हमें कह रहा है कि आप अपने अकाउंट में पहले चले जाएं, फिर हम आपको दिखाएंगे इमेजेस। ये है जी अजूरे वाला, ये प्लीज, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था तो लकीली हुई है देर, ये प्लीज देख लीजिएगा। आपने ये देखा है कभी? रहमानी हो चुके हैं। अच्छा, ये जिंदगी में कभी आपने देखा? ये स्नो में बता दीजिएगा, गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल होते हैं, बैरिंग्स भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, बैरिंग्स इस्तेमाल होते हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता था, और ये बहुत
ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे हम कहते हैं सिलिकॉन नाइट्राइड। ये सख्त नहीं होते हैं, इनके ऊपर आप थोड़ा लगाएंगे ना तो ये टूट जाएंगे। लगता ऐसे है कि जैसे ये पता नहीं लोहे के बने हुए हैं, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये किसी लोहे जोहे के नहीं बने होते, ये सिलिकॉन के बने हुए होते हैं, सॉरी सिरामिक्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, बाइक के पार्ट्स में से एक पार्ट है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बाइक के अंदर इस्तेमाल होता है, ये हमारे पास जो है इस्तेमाल होता है जब हम मुख्तलिफ किस्म के बाइक्स के प्लग्स में देखते हैं, गाड़ियों के प्लग्स के अंदर देखते हैं, तो इसके मल्टीपल यूजेज हैं। सो जी, लेटेस्ट अब जो इंडस्ट्री के अंदर जो सिरामिक्स इस्तेमाल होते हैं वो बड़े एडवांस हैं। एक तो मैंने आपको भी दिखाया, ये जो है किस तरह से बनाए जाते हैं, ये जो मैंने सिरामिक्स आपको दिखाया, ये रिएक्शन बॉन्डिंग के जरिए बनाया जाता है। ये रिएक्शन बॉन्डिंग के जरिए बनाता है। इसका मतलब ये है कि अब की दफा सिलिकॉन पाउडर को इस्तेमाल किया जाता है, उसको हीट किया जाता है, इसके साथ नाइट्रोजन गैस के साथ। आपने तीन चीजों को लिया, एक आपने लिया जनाब क्ले को लिया, क्ले को लेने के बाद उसके अंदर मिक्स किया सिलिकॉन पाउडर को, और फिर जो है वो उसको नाइट्रोजन गैस की मौजूदगी में हीटअप किया, तो आपके पास ये बन जाएगा सिरामिक्स जो मैंने दिखाया। अब सिरामिक्स जो है वो इस्तेमाल कहाँ कहाँ से होता है? सिरामिक्स इस्तेमाल होता है हमारे पास मल्टीपल जो इसकी वाइड रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज है। हमारे पास जो है वो एरोस्पेस के अंदर इस्तेमाल होता है। एरोस्पेस वो तमाम की तमाम चीजें हैं जो कि फलाज से मुतल्लिक हैं। आप स्पेस शटल की बात कर लीजिए, वहां पे सिरामिक्स इस्तेमाल होगा। आप रॉकेट्स की बात कर लीजिए, आप स्पेस स्टेशन की बात कर लीजिए, इन तमाम में सिरामिक्स यूज होगा। इसके साथ साथ सिरामिक्स जो है वो इस्तेमाल होता है घरों में, जो ग्लास वेयर है, जो मिट्टी के बर्तन आप देखते हो, जो डिनर वेयर देखते हो, होम इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हो, वहां पे भी आपके पास सबसे ज्यादा सिरामिक्स यूज होते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज जो है, मोटर इंडस्ट्रीज में जो है, फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो कन्वर्टर्स के अंदर, ये फिल्टर्स के अंदर, रूटर्स के अंदर, वॉल्व्स गाड़ियों के जो है वो स्पार्क्स जो है, वो थर्मोस्टेट्स जो है, वो पिस्टनिंग्स, ये सब के सब सिरामिक्स को यूज करते हैं। मेडिकल साइंसेस में, मेडिकल्स में मैं आपको बता रहा था कि ये जो दांत जिन लोगों ने अपने लगवाए हुए होते हैं वो सिरामिक्स के बने हुए होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन दांतों को जो है आप जोर से जरब लगाएं और वो टूटे ना। जी, आप इसको दिगी कह लीजिए, ठीक है। डेंटल है, बोन फिलिंग में इस्तेमाल होता है, कि जो इंसान की बॉडी के अंदर जो है जो फिलिंग करनी होती है दांतों के नीचे, वहां भी इसको इस्तेमाल करते हैं, उसे बायो सिरामिक्स कहते हैं। मिलिट्री इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल होता है, मिलिट्री की गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल होता है। ये जो कंप्यूटर्स जो आप और मैं इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर ये जो इंसुलेटर्स लगे होते हैं, जो रेजिस्टर्स लगे होते हैं, सुपर कंडक्टर, कैपेसिटर्स, सबके सब जो है वो सिरामिक्स हैं। अच्छा जी, एब्रेसिव, कभी आपने देखा है कि जब ना फर्श पे टाइलें शाइलें लगवाएं तो उसकी रगड़ाई होती है, या दीवार पे जब वायरिंग शायरिंग कर लेते हैं तो उसको रगड़ते हैं, दीवार को बराबर कर देते हैं, पत्थर की रगड़ाई करने के लिए जो है वो एक ड्रिल के आगे गोल सी प्लेट लगी हुई होती है, ठीक है, ग्राइंड करने के लिए, पत्थर को काटने के लिए, पॉलिश करने के लिए, उन तमाम के तमाम चीजों को अब्रेसिव कहा जाता है। कभी नहीं देखा अब्रेसिव, उन्हें हम अब्रेसिव कहते हैं। अब्रेसिव जो डायमंड को, सोने को, पत्थरों को रगड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, वो जो प्लेट आगे लगी होती है ना, वो भी अब्रेसिव होती है, और वो भी सिरामिक्स को बनी हुई होती है। बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो सिरामिक्स इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर ये जो ब्रिक्स आप इस्तेमाल करते हो सिरामिक्स के, टाइल्स, पाइप, टॉयलेट्स, सब चीजें सिरामिक्स से बनी होती है। कोटिंग्स, गाड़ियों की जो है, जो कहीं पे किसी गाड़ी का हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पे हम जो है तो इसको इस्तेमाल करते हैं। सो हमारे पास सिरामिक्स हर जगह पे इस्तेमाल होती है, और ये कोरिजन रेजिस्टेंट होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको कोरिजन जो है वो हो जाए, इसको जंग लग जाए, खराब हो जाए। कभी आपने देखा होगा, कभी बाहर निकले हो तो गाड़ियों की डेंटिंग बेंडिंग चल रही होती है, ठीक है, तो गाड़ियों के अंदर जो है वो डेंटिंग बेंडिंग लगी हुई होती है। जी, सैंड पेपर भी सिरामिक्स, उसके ऊपर क्या कर रहे होते हैं कि वो फिलिंग कर रहा होता है, फिर ऊपर कलर करता है, कहीं गाड़ी शाड़ी लग जाए ना, तो आपने शायद देखा हो, तो वो जो कोटिंग चल रही होती है ना, वो सारी के सारी इसके से सिरामिक्स के होते हैं। कभी आपने ये देखा कि किसी जगह पे, जी यहाँ पे प्रोटीन प्रोटीन भर के जो है वो कलर करते हैं, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्पेस होती है वहां पे सिरामिक्स भरते हैं और वहां पे रन कर देते हैं, सिरामिक्स इस्तेमाल होते हैं।
न्यूक्लियर सिरामिक्स हैं। न्यूक्लियर सिरामिक्स ऐसी सिरामिक्स हैं जो कि न्यूक्लियर पावर में इस्तेमाल होती है, या जहाँ पे रेडियो एक्टिव वेव्स मौजूद होती हैं, उन चीजों को वेस्ट करने के लिए, वहां पे वेस्ट करने के लिए न्यूक्लियर सिरामिक्स इस्तेमाल होती है। ऑप्टिकल सिरामिक्स क्या है, ये जो ऐनक लोग इस्तेमाल करते हैं, ग्लासेस लोग या इस्तेमाल करते हैं, वो सब के सब जो है वो ऑप्टिकल सिरामिक्स होते हैं। ऑप्टिकल सिरामिक्स का मतलब ये है कि ग्लास सिरामिक्स ये सब के सब जो है वो उसी चीजों से बनी हुई होती है। लेजर्स हैं, स्विचेस हैं, ये ऐनक जो लोग लगा लेते हैं, ये लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लेंसेज यूज करते हैं, वो सब के सब सिरामिक्स हैं, सिरामिक्स की किस्म है। इसके अलावा हमारे पास है ट्रिबोलॉजिकल सिरामिक्स है। वो ट्रिबोलॉजिकल सिरामिक्स का क्या मतलब होता है, ऐसे जो सिरामिक्स हैं जो कि खराब नहीं होते हैं। पेंसिल के आगे आपने देखा होगा सिक्का लगा हुआ होता है, ठीक है, सिक्का लगा होता है, जितना मर्जी यूज करते चले जाते। ट्रिबोलॉजिकल का मतलब होता है कि वियर रेजिस्टेंट, एक ऐसा हमारे पास सिरामिक्स जो घिसेगा नहीं, यूज करते चले जाओ लेकिन वो कभी नहीं घिसेगा, ये भी सिरामिक्स। ये कोई उसके ऊपर मेटल लगाया होता है लेकिन अंदर वो सिरामिक्स होता है, जैसे जो वो बॉल पॉइंट की टिप होती है, ठीक है, ये किसी चीज को काटने के लिए, टूल को इस्तेमाल करने के लिए सिरामिक्स इस्तेमाल होते हैं। फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट आ जाता है रिफ्रैक्टरीज। रिफ्रैक्टरीज का क्या मतलब होता है कि हमारे पास एक ऐसा रिफ्रैक्टरी से मुराद सिरामिक्स है जो कि हाई टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, ये रिफ्रैक्टर्स हैं। अब तंदूर पे जो है वो एक बंदा था, नईम साहब जैसा बहुत ही खूबसूरत नौजवान तंदूर पे रोटियां लेने चला गया। अब अंदर वहां पे क्या लगा हुआ है, रिफ्रैक्टर। उसने वहां पे जाके कहा कि भाई जल्दी करो, और बड़े रोब दबदबे से कहा कि भाई जल्दी करो रोटियां लगा के दो। तो दुकान वाले ने कहा कि भाई मुझ पे रोब ना झाड़ो, अगर तुम इतने ही रोब वाले इंसान होते तो यहाँ पे तंदूर पे रोटियां लगवाने ना आते। तो भाई इतना ही तुम्हारा रोब चल रहा होता तो तुम मेरे पास रोटियां लगवाने ना आते तंदूर पे। तुम जो है इसलिए आराम से आतोला रखो। आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वो तंदूर के अंदर भी जो है वो रिफ्रेक्टरीज जो है वो लगी हुई होती है। जी जी नईम साहब, रिफ्रेक्टरीज। लेकिन नईम साहब आपने कोशिश करनी है कि जैसे ही आपकी शादी होती है पहले वाली, तो आपने पूरा रोब दबदबा जो है वो डाल देना है ताकि रिफ्रेक्टरीज जो है वो इससे ना गुजरना पड़े, ठीक है। तो वो आपने एक कहावत तो सुनी होगी जी, पहले वाली शादी इस्लाम में चार की इजाजत है, तो अगर पहले वाली कह दिया है तो इसमें क्या हो जाएगा। नईम साहब जो है वो मैडम इंसा मशवरा दे रही है कि बिल्ली को आपने किल कर देना है, कोई बिल्ली लेके उसको कत्ल कर देना है। मैडम आमिरा साहब वो चार की ख्वाहिश क्या पता रखते हैं, नईम साहब सुन्नत रसूल को पूरा करने का इरादा भी तो होना चाहिए ना। तो इन जैसे मुजाहिदीन आगे बढ़ेंगे तो ही मामला आसान होगा। जी, आप उल्टी गिनती शुरू कर लें, आप फोर्थ वन से शुरू कर लें। चलें, अब जी क्लासिफिकेशन ऑफ सिरामिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। अब इनकी जो क्लासिफिकेशन हैं सिरामिक्स की, वो हमारे पास मल्टीपल हैं, टू प्रिंसिपल कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास बेसिक एप्लीकेशंस हैं सिरामिक्स की, सिरामिक्स में वो ट्रेडिशनल सिरामिक्स भी हो सकते हैं और एडवांस सिरामिक्स भी हैं। ट्रेडिशनल वो जो कुम्हार किसी जमाने में बनाया करते थे, व्हाइट वार्ड्स यानी कि संगे मरमर, वो जो चूना हुआ करता था, स्ट्रक्चरल क्ले प्रोडक्ट्स हुआ करती थी, ब्रिक एंड टाइल, अब्रेसिव्स हैं, रिफ्रैक्टरीज हैं, सीमेंट है, ये सारी के सारी जो है वो ट्रेडिशनल है। जो अभी साइंस ने आके हमें दी है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोसिरामिक्स। अब इलेक्ट्रोसिरामिक्स में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सब्सट्रेट्स आ जाएंगे, ठीक है, कैपेसिटर्स जो हैं वो डाई इलेक्ट्रिक्स हैं, मैग्नेटिक्स हैं, ऑप्टिकल हैं, कंडक्टिव हैं। फिर हमारे पास एडवांस में न्यूक्लियर हैं, बायो सिरामिक्स हैं, ठीक है, और ये पेंसिल्स की जो मैं आपको बता रहा था, ट्यूबोलॉजिकल सिरामिक्स हैं, ऑटोमोटिव जो है वो सिरामिक्स हैं। तीन तरह की जो है वो इनकी क्लासिफिकेशन होती हैं इनकी सिरामिक्स की। ऑक्साइड्स, ऑक्साइड जिस तरह से लफज है ओ से, तो ओ का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन शामिल हो रही, ऐसा सिरामिक्स जिसमें ऑक्सीजन शामिल है वो ऑक्साइड्स कहलाएगा। जैसे हमारे पास एलुमिना, जिरकोनिया, आयरन ऑक्साइड, ये सब के सब क्या हैं, ये हमारे पास जो है वो
ऑक्साइड्स कहलाते हैं। तीन जो हैं वो सिरामिक्स की किस्म है जिसमें ऑक्सीजन के एलिमेंट शामिल हैं, ऑक्साइड्स कहलाएंगे। एलुमिनिया है, जिरकोनिया, जिरकोनिया से दांत भी बनते हैं आपके, और आयरन ऑक्साइड, नॉन ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, जिसमें हमारे पास जो है वो कार्बिडाइड्स, बोराइड्स, नाइट्राइड्स और सिलिकाइड्स शामिल है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो कंपोजिट हो जाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड नॉन ऑक्साइड्स। तो क्या जी ये क्लियर है? इसको जरा देखें और मैं 4:31 बाद आपसे दोबारा आपको ज्वाइन करता हूँ। जी तो ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स, ये क्लियर है यहाँ तक? नईम, शेर या बिल्ली को मारने का मतलब होता है बेगम पे रोब दबदबा कायम करना, ये केडीएम है। बिल्ली मार देना, अपनी बेगम पे रोब दबदबा कायम करना, वो एक बेगम साहिबा थी ना, तो बंदे ने सोचा कि मैंने भी बिल्ली मार देनी है। तो बेचारे की वालदा उसको पहले खाना चाना बना के दिया करती थी, तो उसने देखा कि जब भी वो रोटी को बेला करती थी, बेलने की हल्की हल्की आवाज आती थी। तो बंदा बेचारा भी प्लान कर रहा है, तो देखा बेगम साहबा पहली पहली नई नई मेरी दुल्हन खाना बनाने गई है, आवाज नहीं आ रही बेलने की। फौरन से किचन में पहुंचा तो देखा तो बेगम साहबा ने उसकी तीनों टांगे तोड़ के साइड पर रखा हुआ था, यानी कि टांगे तोड़ दी। उन्होंने कहा जरा खटपट कर रहा था तो मैंने इसकी टांगे तोड़ दी, क्योंकि मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है? तो उन्होंने फिर अपना बिल्ली ये शेर मारने वाला इरादा मुलतवी कर दिया। उन्होंने सोचा बेहतर ये है कि मैं खामोशी के साथ ही जिंदगी गुजार लूँ। तो ये एक शेर मार देना, ये बिल्ली मार देने की जो है वो कहावत है, यहाँ से निकले। अच्छा जी, अब हम ये समझ चुके हैं कि हमारी तरफ तो एक भाई ने मार दी थी। अच्छा जी, प्लास्टिक जो है वो अब अगला टॉपिक है। लफज जो प्लास्टिक है, वंस अगेन ग्रीको रोमन की तहजीब व तमद्दन, बड़ी जबरदस्त तहजीब थी, वहां से ही लफ्ज हमारे पास आता है जी प्लास्टिक। प्लास्टिक का मतलब ये होता है कैपेबल होना, यानी कि कोई ऐसा बंदा जो कि मोल्ड हो सकता है, कोई ऐसी चीज जो कि मोल्ड हो सकती है। लतीनी तो इसे बंदों के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाद में ये रफ्ता रफ्ता मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल होना शुरू हुआ जो आप जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो ये लफ्ज लैटिन में हमारे पास था, प्लास्टिकस यानी कि सी वाला, और यही प्रोनंसिएशन थी इसकी ग्रीक में प्लास्टिकोस जो है, ठीक है? दोनों का मतलब ये था जिसको मोल्ड कर सकें। तो ग्रीको रोमन ने ये देखा कि हमारे पास एक ऐसा मटीरियल जिसको हम मोल्ड कर सकें, वो हमारे पास जो है वो क्या कहलाता है, प्लास्टिक कहलाता है। अब प्लास्टिक जो है इसको मोल्ड करने का मतलब ये है कि बनी किससे हुई। डेफिनेशन जरा याद कीजिएगा, प्लास्टिक्स आर मटेरियल, ये वो मटेरियल है मेड अप ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हजूरे वाला लार्ज, बड़े बड़े इनके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल।
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या मतलब है कि कार्बन शामिल होते हैं, कार्बन को हम जिंदा समझते हैं, ऑर्गेनिक समझते हैं। तो प्लास्टिक बनी होती है लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, और अब हम इनको डिफरेंट जो है वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में बदल सकते हैं। आई एम श्योर कि ये पता चल गया, पेपर में ये सवाल जो प्लास्टिक है काफी दफा आ चुका है, ये 2011 में भी आ चुका है, और 2011 का क्वेश्चन नंबर 6 था प्लास्टिक। अब ये रेफरेंस इसका लिखने के बाद जनरल प्रॉपर्टीज जो है कि ये जो है वो दे आर लाइटर देन मैनी मटेरियल्स ऑफ द कंपेरेबल स्ट्रेंथ अनलाइक मेटल एंड वुड्स, तो ये हमारे पास लाइटर हैं। अब आप इसको मेटल से कंपैरिजन करो या वुड से कंपैरिजन करो तो आपको पता चलेगा कि ये वजन में बहुत हल्का है। प्लास्टिक्स डू नॉट रस्ट आर रॉट, रस्ट आर रॉट का मतलब ये है दुर्योधन के खराब नहीं होती है, रंग नहीं लगता है, चाहे 1000 साल पड़ी रहे वही पड़ेगी, और ना ही ऑक्सीजन जो है वो इसके अंदर आती है और इसको खराब करती है। मोस्ट प्लास्टिक्स कैन बी प्रोड्यूस इन एनी कलर, कलर कोई भी होता है, दे कैन बी मैन्युफैक्चर ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसलेंट का मतलब ये है कि ऐसी भी प्लास्टिक मौजूद है जो या तो ट्रांसपेरेंट होगी या थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी होगी या ओपैक होगी, ठीक है। इसके बाद प्लास्टिक्स हैव ए लोअर डेंसिटी देन दैट ऑफ मेटल्स, डेंसिटी इसकी लोअर है, ठीक है। डेंसिटी वजन को कहा जाता है। आपने जब पढ़ रहा था ना, जब हम शुरू में पढ़ा रहे थे मुख्य प्लैनेट्स के बारे में बता रहे थे, तो डेंसिटी देखा, तो बाकी मेटल्स के मतलब मुकाबले में इसकी डेंसिटी कम होती है, वजन कम होता है। इसको जो है वो रीइंफोर्स किया जा सकता है, और इसको डिफरेंट मटेरियल्स को शामिल करके जो है वो इसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, और स्ट्रॉन्ग ये बन के दूसरे मटेरियल्स को प्रोटेक्ट भी करती है, ठीक है। इसको जो है वो रीइंफोर्स विद ग्लास अदर फाइबर्स टू फॉर्म इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग मटेरियल, कि किसी भी मटेरियल के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और कुछ प्लास्टिक्स तो हमारे पास इतनी मजबूत होती हैं कि उन्हें 288 डिग्री सेल्सियस पे भी आप अगर ले जाएंगे तो वो मेल्ट नहीं होती है, ठीक है। यानी कि हीट रेजिस्टेंस वाली भी जो है वो प्लास्टिक मौजूद है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स हैं, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती है, नॉन मैग्नेटिक है, मकनती साथ लगाओगे नहीं जुड़ेगा। प्लास्टिक्स आर केमिकली स्टेबल एंड समवट इनर्ट, यानी कि प्लास्टिक जो है वो अगर इसके करीब कोई दूसरा केमिकल रख के या इसके अंदर केमिकल शामिल कर रहे हो तो ये स्टेबल है। कभी ऐसा हुआ है कि ग्लास के अंदर जो है वो आपने कोको कोला वगैरह को जो है वो डाला हो जो कि केमिकल्स ही होते हैं ना, और ऐसा हो कि ग्लास भी उसके साथ मिल गया हो, कि ग्लास का भी टेस्ट उसी के अंदर आ रहा हो? नहीं होता, बहुत कम होता है। समवट इनर्ट कोई जो है वो अगर केमिकल डालोगे तो मुमकिन है कि वो उसके साथ मिले, वरना ये स्टेबल है, ये उसके साथ नहीं मिलते हैं। प्लास्टिक्स आर नॉन ब्रिटल, आसानी से नहीं टूटते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे फिर हम इसकी केमिस्ट्री को देखें, केमिस्ट्री ऑफ प्लास्टिक्स का। अच्छा जी, जब प्लास्टिक्स की केमिस्ट्री की बात करते हैं, मैंने आगाज में जब ये कहा था कि ये जो प्लास्टिक है ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, हजूर वाला ऑर्गेनिक का मतलब ये कि इसके अंदर ऑर्गेनिक मालिक्यूल है। असल में ना कहानी ये है कि ये जो प्लास्टिक है कुछ इस तरह के मालिक्यूल्स की चेन चलती है, और ये कार्बन एटम्स हैं, देख रहे हो ये एटम्स हैं, कार्बन एटम्स, और इनको क्या किया है, चेन है। पोली का मतलब है ज्यादा, मर का मतलब है जब हमने उन्हें जोड़ दिया, इकट्ठा कर दिया, सारे के सारों को इकट्ठा कर दिया। तो हजूरे वाला हमारे पास ये पता चल गया कि प्लास्टिक जो है वो हमारे पास एक चेन है, पॉलीमर लार्ज जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की चेन है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, चेन के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, और एक चेन की तरह ये इस तरह से ये जो है वो चलते हैं, इसे पॉलीमर्स कहते हैं। पॉली मल्टीपल, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कार्बन एटम्स के जो एक चेन की तरह बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉलीमर्स, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, पता चल गया इसकी केमिस्ट्री का, कि प्लास्टिक से है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्यों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कार्बन से बना हुआ था, कार्बन किस तरह से जुड़ा होता है, एक चेन की तरह, एक एटम है दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, इस तरह से जुड़ा होता है, ठीक है। और ये प्लास्टिक की एक टाइप है, उसे हम कहते हैं पॉलीइथिलीन, पॉलीइथिलीन, पॉलीइथिलीन। अब पॉलीइथिलीन का क्या मतलब है, पॉली मैनी, बहुत से, इथिलीन मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये है कि पॉलीइथिलीन बेसिकली
ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कुछ 2 लाख से भी ज्यादा कार्बन के एटम्स होते हैं। क्या क्लियर है जी? ज्यादातर ये जो हैं, प्लास्टिक बनती कैसे है? प्लास्टिक बनती है प्लांट ऑयल्स के साथ, प्लास्टिक बनती है फॉसिल फ्यूल्स के साथ। अच्छा, आपने देखा होगा कि घूरने वाले ना कुछ एक ऐसे ऐसे भी हमारे पास जो है वो शॉपर बनाना शुरू हो गए लोग, जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं। प्लास्टिक को तो अमूमन आप कहीं पे भी छोड़ देंगे तो वो खराब नहीं होगी ना, लेकिन कुछ हमारे पास जो है वो ऐसे भी शॉपर्स हैं जो ऑटोमेटिकली बायोडिग्रेडेबल हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये हजूरे वाला प्लास्टिक्स आर द ऑर्गेनिक मटेरियल, किससे बने होते हैं? कार्बन के। कार्बन के क्या है? इसके अंदर एटम्स, ठीक है भाई, कार्बन एटम्स है। क्या किया उनको? उनकी चेन बनी हुई है, वो कार्बन एटम्स आपस में लिंक्ड है, चेन बनती है, तो पॉलीमर्स हैं, तो वहां से बनते हैं। और पॉली एथिनील क्या है? ये एक किस्म है। किसकी किस्म है? चेन की किस्म है। कितने इसके अंदर जो है वो पाए जाते हैं मॉलिक्यूल्स? 2 लाख से ज्यादा। अब जी, प्लास्टिक की दो किस्में हैं। दो किस्में कौन कौन सी हैं? थर्मोप्लास्टिक्स है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है। थर्मोप्लास्टिक से क्या मुराद है? एक ऐसी प्लास्टिक है जिसके अंदर जो है वो, जिसको आपने जो जिधर मोड़ा मुड़ गई, जिधर से छोड़ा उसको जो है वो बाद आ गई। अब देखो, होता है ना कि कुछ आपके पास ऐसी प्लास्टिक होती है जिसको जहां से मर्जी टर्न करते हो टर्न हो जाती है, छोड़ते हो तो वो वापस अपनी हालत में वापस चले जाती है। ये पेंसिल जब कभी देखते थे, ये जो होती थी पेंसिल के ऊपर लगा होता है कुछ सिक्के वगैरह होते हैं, कुछ पेंसिल्स के अंदर ये मार्कर जो है, मार्कर्स का जो कैप बना होता है उसको रोटेट करते हो तो वहां पे चले जाती है, दोबारा वापस लेके आते हो उस अपनी हालत में वापस आ जाता है, ठीक है। ये हमारा रबर देख लो, रबर भी तो इसी की मिसाल है। थर्मो प्लास्टिक, ऐसी प्लास्टिक जिसको जब आपने जो है वो हीट किया तो नई शक्ल में चले गए, और जब जो है वो इसको आपने सॉफ्ट किया तो वापस आ गई, ठीक है। वैक्स है, कैंडल वैक्स है हमारे पास जो है वो, जिसको आप अपनी मर्जी से रीमोल्ड कर सकते हैं इनडेफिनेट टाइम तक जो है वो, ठीक है, जिधर मर्जी मोल। और एक दूसरे के साथ ये कैसे मुमकिन है कि जिधर मर्जी मोल लिया? ये क्या वजह है? इसका मतलब ये है कि इनके जो अंदर है प्लास्टिक के अंदर, इनके अंदर भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लीनियर हैं, और वो मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। केमिकल बॉन्ड का क्या मतलब है? मेरी बात गौर से समझ लेना, सारी की सारी कहानी समझ में आ जाए। देखो, दो तरह के कार्बन एटम्स तो दोनों में मौजूद हैं, थर्मो में अंदर यानी कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के अंदर भी मौजूद है। यहाँ तक बात क्लियर है? ये जरा मुझे समझाएं, तो ये क्लियर है यहाँ तक? तो दोनों हमारे पास दो तरह की जो है वो प्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक वो है जिसको जिधर मोड़े मुड़ जाएगा, जिधर मोड़ेंगे आपके पास वो जो है वो वहां पे चला जाएगा, ठीक है, अगर उसको छोड़ेंगे तो वो वापस आ जाएगा। अच्छा जी, दोनों के अंदर कार्बन मौजूद है, थर्मो प्लास्टिक के अंदर भी और थर्मो सेटिंग के अंदर भी। थर्मो प्लास्टिक वो है जी जिसको आपने आग लगाई तो नई फॉर्म में चले गए, फिर जो है वो वापस किया, थोड़ा सा वैक्स की बात कर लें, कुछ प्लास्टिक होती है उसे मोड़ा उधर मुड़ गई, ना भी आग के बगैर भी मोड़ा तो चले गई, वापिस लाए वापिस आ गए। वजह ये है कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से केमिकली बॉन्ड नहीं बनाते हैं, उनके दरमियान जो है जो फोर्सेस पाई जाती हैं वो वैंडरवाल फोर्सेस बड़ी कमजोर होती हैं, उनके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लॉन्ग चेन्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है वो हमारे पास जो है वो बनाता है थर्मोप्लास्टिक्स जो है। थर्मोप्लास्टिक्स क्या है? ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? इनके प्रॉपर्टीज ये हैं कि ये वेट इनका ज्यादा होता है, समझो कि एक डांस पार्टी चल रही है, कोई उसके अंदर जो है वो मॉलिक्यूल वो वाला मॉलिक्यूल है जिसका वजन कम है, कोई मॉलिक्यूल वो वाला है जिसका वजन ज्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हर एक का इंडिविजुअल फैसला है कि भाई आपने इसके साथ जो है वो मिलके डांस करना है या नहीं करना। वेट, थर्मोप्लास्टिक ये कहते हैं कि जी हम लोगों ने इसके साथ मिलना नहीं है, डांस नहीं करना, पार्टी नहीं करनी, या इनके साथ मैंने नहीं बैठना। थर्मोसेटिंग
थर्मोप्लास्टिक का मतलब है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का अपना अपना डिसीजन होता है, ठीक है, इंडिविजुअल, और हर एक का अपना अपना वेट होता है। जबकि दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं थर्मो सेटिंग की, तो इसका मतलब यह है कि एक दफा अगर आपने इसे गर्म कर दिया तो वापस उस हालत में वापस नहीं आएंगे। अजूरे वाला प्लास्टिक का ग्लास बना हुआ है, उसे हमने आग के ऊपर रखा तो वो प्लास्टिक पिघल गई, क्या मैं उसे दोबारा वापस ला सकता हूँ उसी फॉर्म में? वो हमारे पास उसी फॉर्म में वापस आ सकता है? खुद से मैं तो नहीं ला सकता। इसका मतलब ये है कि वजह क्या है? वजह ये है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। इनकी मोहब्बत इतनी गहरी है कि इसने कहा एक बदलेगा तो दूसरा भी हमेशा के लिए बदल जाएगा। कि जो केमिकल बॉन्ड होता है वो क्रॉस लिंक होता है, एक दूसरे से गहराई में जुड़ा होता है। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है, इसके मॉलिक्यूल जो है वो परमानेंटली मूव कर जाते हैं और कभी भी नहीं बदलते हैं। इसको किसी भी तरह से एक्चुअल फॉर्म में, असल फॉर्म में वापस नहीं लाया जा सकता है। और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनको थोड़े से टेम्परेचर से कुछ हो जाता। डेफिनेटली इनको आप हाई टेम्परेचर पर लेकर जाते हैं और तब ये जो है वो मेल्ट करते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब ये होता है कि ये सिंगल मॉलिक्यूलर नेटवर्क से बना हुआ होता है, जिसका मतलब ये है कि एक ऐसा हमारे पास नेटवर्क होता है कि जिसको आप कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, उसने वैसा ही रहना है। अगर उसे हीट करोगे, उसे मेल्ट करने की कोशिश करोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। ये हमारे पास जो है वो थर्मो सेटिंग प्लास्टिक है। एक जो है वापस असल फॉर्म में लाई जा सकती है, जैसे मैंने वैक्स का बताया आपको कि वैक्स है उसको पकड़ के जैसे मर्जी ले जाएं, और दूसरा जो है वो है कि जिसको हम उसकी असल हालत में वापस नहीं ला सकते। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह होती है इनके दरमियान पाए जाने वाली केमिकल बॉन्डिंग। जो हमारे पास थर्मोप्लास्टिक है उसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो इंडिविजुअल लेवल पे होती है, और जो हमारे पास थर्मोसेटिंग है उसके अंदर जो हमारे पास बॉन्डिंग है वो ब्रांच बॉन्डिंग होती है। वो एक ही नेटवर्क होता है, सिंगल मॉलिक्यूलर नेटवर्क होता है, इस वजह से उनको हम कभी भी वापस हालत में नहीं ला सकते। अच्छा जी, प्लास्टिक्स के यूज क्या क्या है जिंदगी में? आप देखें कि बहुत से लोग ऐसे हैं प्लास्टिक के बने हुए पिलो इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक हर जगह इस्तेमाल करते हैं। जो माउस में यूज कर रहा हूँ प्लास्टिक का है, जिस चेयर पे बैठे हैं ये प्लास्टिक के है, जो मोबाइल फोन आप लोगों के पास हैं, ये लैपटॉप्स हैं, वो प्लास्टिक के बने हुए हैं, घरों के अंदर प्लास्टिक हैं, टेलीफोन, हर चीज ही तकरीबन प्लास्टिक से बनी हुई है। ये इसके फायदे हैं जी। इजीली इसको मोल्ड किया जा सकता है, इसकी गुड स्ट्रेंथ होती है, शॉक अब्जॉर्ब कर सकता है, कोरिजन रेजिस्टेंट होती है, ठीक है, गुड वाटर रेजिस्टेंट होती है, रिसाइकलेबल होती है। हैजर्ड्स क्या हैं, नुकसान क्या हैं? नुकसान भी इसके बहुत ज्यादा हैं जी। पहली बात तो ये है कि जहां पर भी आप इसे फेंक देंगे ये खत्म ही नहीं होगी, वहीं पर रहेगी, ठीक है। बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाती है कि जो लोग प्लास्टिक के बने हुए बर्तनों में खाना खाते हैं तो अल्टीमेटली उनको बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, उनके हॉर्मोन जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक की जो डेब्रिजेस हैं जिनमें हमारे पास जो केमिकल्स हैं, मैरीन एनिमल्स हैं, उनके लिए खतरा है। ये जो शॉपर उठा उठा के फेंकते रहते हैं समंदर में, तो वो मछलियां भी अंदर से गालियां दे रही होती हैं कि हमारी जिंदगी तबाह कर देते हैं। जो प्लास्टिक तैरती नजर आती है आपको, गंदगी का बायस बनती है, और ये जो प्लास्टिक है इंसानियत के लिए खतरा है। तो हमारे पास प्लास्टिक को अगर हम चाहते हैं कि महफूज किया जा सके, इंसानी जिंदगी को महफूज करें, तो वो 3 R हमें जो है वो यूज करने पड़ेंगे, यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। अब हमारे पास ये क्या क्या है? मिसाल के तौर पर 3 R स्ट्रेटेजी कहलाती है। सोर्स रिडक्शन का मतलब ये है कि भाई सबसे पहली तो बात ये है कि रिड्यूस करें, कि खुदा का वास्ते हाथ धोला रखें। हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने कहा कि प्लास्टिक के बने हुए बैग यूज नहीं करने, तो बड़े बड़े ब्रांड ने क्या किया, उन्होंने कागज के जो है वो बैग बना दिए, और साथ में उन्होंने इसकी भी कीमत वसूल करना शुरू कर दी। गवर्नमेंट ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि बेसिकली अब ठीक है, आप लोग माहौल जो है उसको सपोर्ट करना शुरू करें, तो सबसे पहले तो जनाब सोर्स को रिड्यूस करना, ठीक है, इसको प्लास्टिक को पैदा करना जो है वो छोड़ना।
बहुत से जो है वो यूरोपियन कंट्रीज वो हैं कि जिन्होंने ये इरादा कर रखा है कि भाई हम लोग ऐसी प्लास्टिक यूज करेंगे जो कि इजिली रिसाइकलेबल है, ठीक है, हम लोग वो इस्तेमाल ही नहीं करेंगे जो कि इजिली रिसाइकलेबल नहीं है। अगर कोई एक ऐसी प्लास्टिक जो रिसाइकल नहीं हो सकती है उसको यूज नहीं करेंगे। पाकिस्तान में तो आपको पता ही है जो हालात वाकयात हैं। अच्छा ये देखें आपके सामने ये साइकिल भी बना हुआ है, ये इसीलिए कि जो रिसाइकलेबल है भाई उसको इस्तेमाल कर लो, रिड्यूस कर लो, रिसाइकल कर लो और फिर जो है वो आप आगे लेके उसे चलाओ। तो हमारे पास 3 R जो है वो 3 R वो बड़े इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। दूसरे नंबर पे कि आप इसको रिसाइकल कर सकते हो वगैरह वगैरह, वही आसान आसान बातें। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या होती है, शॉपिंग नंबर में बायोडिग्रेडेबल का प्लास्टिक ये है कि जो मैं बता रहा था कि ऐसी ऐसी जो है वो प्लास्टिक भी अब एग्जिस्ट करती है कि जो खुद से खत्म हो जाती है। अब की दफा ये क्या है कि ये प्लास्टिक वो है कि जिसे आप जो है वो डिस्कार्ड करेंगे तो ये खत्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब यह है कि हमें बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को यूज करना है। मेजर टाइप ऑफ प्लास्टिक जो है एक दफा बस इसके नाम कोई पढ़ लीजिएगा जी, पोली एथिलीन है, पोली प्रोपिलीन है, पोलिस्टेरीन है, बाकी ये वाली चीजें जो है कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है कोई 2-3 सिर्फ याद कर लीजिएगा। पोली एथिलीन कहाँ पे इस्तेमाल होती है, पोली प्रोपिलीन कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ठीक है, पोली स्टेरीन कहाँ पे इस्तेमाल होती है, तो ये चीजें याद रखी जाए। क्लियर है जी? यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा जी, कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फर्टिलाइजर्स का। ये वीक हमारा आखिरी वीक है जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, और इसमें प्लीज आपने काम ये करना है कि इसी किताब के एंड पे जो है वो मैंने कुछ चीजें शामिल हाल की हैं। मैडम आमिरा अरूद साहिबा तो चूंकि MSc मैथमेटिक्स हैं उन्हें तो इसमें इशू नहीं है। ये जनरल एबिलिटी का सेक्शन वो वाला सेक्शन है जो कि आपके आराम से क्वेश्चन आंसर्स में मुश्तमिल होता है कि किसी ने क्या किया किसी ने क्या नहीं किया। कल ये प्लीज पढ़ के आइएगा, जो नईम साहब हैं और इंशा साहबा हैं, तो ये नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, नेचुरल क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, रैशनल नंबर्स क्या है, ठीक है, इरेशनल क्या है, ये सब के सब रियल नंबर्स क्या है, नंबर लाइंस क्या है। तो हम लोगों ने जो है आज हमारे पास फर्स्ट है, 1 जनवरी है, तो इनशाला अल्लाह के फजल करम से हम ये 10 जनवरी तक ये हमारी खत्म हो चुकी होगी, ठीक है जी। जनरल साइंस एंड एबिलिटी हमारी 10 जनवरी तक खत्म हो जाएगी। उसमें ये जो क्वेश्चंस हैं ये बड़े आसान आसान से हैं, इवन है, ऑड नंबर्स हैं, इन पे मैं एक वीक पूरा लगा के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बता भी दूंगा जहाँ जहाँ पे HCM क्या है, LCM क्या है, ठीक है, डिटेल्स जो है वो मैं बता दूंगा और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी कैसे सॉल्व आउट करना है, एंड देन यू आर ऑल फ्री टू गो। तो 10th जो हमारे पास जनवरी है दैट इज द लास्ट है। अब उसके बाद हम जो है वो फिर इस टाइमिंग के अंदर जो है वो कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास ये टाइमिंग है इसमें हमारे वो पार्टिसिपेंट्स के जिनकी पंजाबी का सेक्शन है, पंजाबी की क्लासेस को मोस्ट प्रोबेबली कि हम जो है वो ले आए ताकि उनको विद इन डेज जो है वो हम खत्म कर सकें। और पंजाबी को भी मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग 10 दिनों के 10-12 दिनों के अंदर अंदर उसको भी जो है वो नेक्स्ट खत्म करें, और हमारे बाकी करंट अफेयर्स ऑब्वियसली चलता ही रहेगा। फिर एग्जाम्स उसमें तो टॉपिक्स जो हैं वो 2-3 फरवरी के भी ऐड हो जाएंगे, और फिर मजीद हमारी इंशाल्लाह सारे सब्जेक्ट्स इनका सेलेबस की कवरेज है वो हमारे पास एज सून एज पॉसिबल खत्म हो जाए। चैप्टर नंबर 1 ये 19 है इस किताब से जो है ना, इस किताब से चैप्टर नंबर 19 है, ये 19 है, मैथ का चैप्टर 1 है जो बेसिक मैथ का। ठीक हो गया मैडम साहबा, बेसिक मैथ का चैप्टर 1 है। तो कल जी मुलाकात करते हैं फिर अगले जो है वो टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, खुदा हाफिज़।